प्यारी सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। आज का विशेष टॉपिक है परमात्मा की अनुभूति, प्रभु का अनुभव। प्यारी सत्संगत जी, इस दुनिया में कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं और कुछ लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं। कुछ आस्तिक हैं तो कुछ नास्तिक हैं। लेकिन सारा संसार भगवान को मानता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल हैं, दरगाह हैं, जहां लोग अपनी अपनी श्रद्धा आस्था के अनुसार पूजा, प्रार्थना, इबादत, अरदास करने जाते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि जो परमात्मा की अनुभूति, जिसके बारे में ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा हमें बताते हैं, ये ब्रह्म है, निराकार है, कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में है, अविनाशी है, अजन्मा, अजर, अमर, तो इसके बारे में तो पहले ही जितने भर ऋषि, मुनि, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर, विद्वान, सभी ने अपने अपने अनुभव के अनुसार इस बात की पुष्टि की कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जो हर जगह मौजूद है। और इसी निराकार की लखता सदगुरु जी ने हमें कराई है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। हमारे सदगुरु जी ने हमें ब्रह्म का ज्ञान देकर हमें ब्रह्म से बाहर निकाल दिया। हम भ्रमों में जकड़े हुए थे, हमारी हालत भी संसार के जैसी ही थी। हम भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जा जाकर परमात्मा की खोज कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु की कृपा हम पर हो गई, ब्रह्मज्ञानी संत मिल गए, तो सत्संग में लेकर आ गए, सदगुरु के पास लेकर आए, और सदगुरु ने हमें ब्रह्म का ज्ञान दे दिया और अनुभूति करवा दी, इस निराकार ब्रह्म का अनुभव करा दिया, ब्रह्म का बोध करा दिया, प्रभु की अनुभूति करा दी। और जिनको जिनको इसका एहसास हो गया, उनको फिर विश्वास हो गया कि परमात्मा कण कण में है, हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। तो ये विश्वास तभी होता है जब हमें सदगुरु मिलते हैं। परमात्मा की जो अनुभूति होती है, सदगुरु की कृपा से ही होती है। और जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, तो हमें ब्रह्म का बोध नहीं होता है। सतगुरु मिले तो सब मिले, नहीं तो मिला न कोई, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हुई। कि जब सतगुरु मिलते हैं तभी हमें परमात्मा मिलते हैं। बाकी तो सारे संसार में हम देखते हैं, बाकी तो दुनियावी रिश्ते सभी के पास होते हैं, लेकिन सतगुरु का नाता ये विरलों को मिलता है। सतगुरु मिले तो सब मिले, सतगुरु मिल गया तो फिर सब मिल गया, परमात्मा ही मिल गया। जिस खुदा को हम ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे, वो आज हमें सदगुरु की कृपा से मिल गया। तो फिर हमने इसकी पुष्टि की, क्योंकि जो दिमाग है आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है। ये दिमाग, चालाकी, चतुराई तब भी बनी ही रहती है। तो फिर कुछ लोगों ने गीता उठाई, बाइबल उठाया, कुरान शरीफ, रामायण, रामचरित मानस, भागवत पुराण, फिर अपना अपना दिमाग लगाया, अपनी चतुराई लगाई, और उसमें भी लोगों ने तर्क वितर्क किए। लेकिन जब जिसको ये ब्रह्म का बोध हो गया, तो फिर वही बात कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। अब जिसने आंखों से देख लिया, लाइव ही देख लिया परमात्मा को, तो फिर वो किताबों में जो बातें लिखी है उसको आसानी से समझ में आ जाती है। अब हम किसी को बोले, भाई साहब, मुंबई के बारे में किताब में आपने पढ़ा है, तो मुंबई कैसी है? तो किताब में पढ़ने के बाद कोई मुंबई के बारे में अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसी व्यक्ति को मुंबई में लेके आए और एकाध महीना मुंबई में उसको रखें और पूरी मुंबई घुमा दें, जुहू चौपाटी घुमा दे, जहां भी अच्छे जो प्लेस, मुंबई के फेमस प्लेस सब दिखा दें, मुंबई
जो बंदा देख लेगा तो मुंबई के बारे में अच्छी तरह से वर्णन कर पाएगा। तो एक होता है किताब में पढ़ी बातें और एक होता है आंखों देखी बातें। तो यही बात कि सद्गुरु ने हमें आंखों देखी दिखलाया कि आंखों से देखो, प्रत्यक्ष देखो, इसका अनुभव करो, परमात्मा की अनुभूति कर लो। कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। कि किताबों में, धर्म ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो समझ में तब आता है जब सतगुरु साक्षात इसका साक्षात्कार करवा देते हैं, इस ब्रह्म निराकार को हमें दिखा देते हैं। तो परमात्मा की पहचान, परमात्मा की ओलख सतगुरु ने कराई, जान पहचान करवाई। क्योंकि हम फिर भी देखते हैं कि ऐसे बहुत से दोस्त मित्र यार जो हमें हमारे शहर में ही मिलते जुलते रहते हैं, तो हम देखते तो हैं लेकिन हम जानते पहचानते नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं में से किसी न किसी माध्यम से कोई ऐसा एक व्यक्ति आता है जो उन दोस्तों से हमारी दोस्ती करवा देता है, तो हमारी पहचान हो जाती है। और फिर वही बात कि लड़का और लड़की अगर फोटो देख ले तो फोटो देखने से बात नहीं बनती है, उनकी शादी करनी पड़ती है। तो शादी के लिए फिर वो कोई पंडित होते हैं जो उनकी शादी करवाते हैं, यानी लड़का लड़की की फोटो देखने के बाद उनकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी बातचीत होती है, जान पहचान होती है, उसके बाद शादी होती है। तो इसी प्रकार सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु आत्मा परमात्मा का मिलन करवा देते हैं, परमात्मा की अनुभूति करवा देते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कष्ट के गुरु करे सो होई। अखंड मंडलाकारम व्याप्ता एनम चराचरम तद पदम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवर नमः। यह तन्विश की बेलिरी गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले हैं सद्गुरु ने ही उन सब की तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक, अपने आप सके ना पा, राम कृष्ण और नानक तक भी खुद ना पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सबने नियम निभाया है, वलियों ने भी गुरु चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की हाथ गुरु के डोर रही, अवतार कहे पर अंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। कि जब भी जिसको भी परमात्मा मिला है सद्गुरु के द्वारा ही मिला है। जितने वली पीर पैगंबर उन्होंने भी सद्गुरु किया है, राम कृष्ण नानक सब ने सद्गुरु किया है, मोहम्मद ईसा सब ने सद्गुरु किया है। बिना सद्गुरु के परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो ये कृपा है, विशेष कृपा है प्रभु की कि हम सब ने इसको जान लिया है। तो प्यारी साध संगत जी, हम परमात्मा को जानने के बाद हमेशा इसके एहसास में रहें, निरंतर सेवा सत्संग सिमरन करते रहें। दाता कृपा करे, सभी को शक्ति दे कि सभी हमेशा इसके एहसास में ही रहें। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद।